टीम इंडिया ने सुपर 8 में अफगानिस्तान को 47 रनों से हरा दिया है। मैच में टीम इंडिया ने गेंदबाजी में चेंज किया था, एक एक्स्ट्रा स्पिनर रोहित शर्मा ने अपनी टीम में खिलाया था। नतीजा भी हमें देखने को मिला है, भारतीय टीम ने 180 लगाए और 47 रन पहले ही अफगानिस्तान को रोक दिया है। मैच के बाद रोहित शर्मा आए, उन्होंने जो चेंजेस किए थे हमारी जो गेंदबाजी की लाइनअप रही है उस पर बात की है। साथ ही बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव की भी रोहित शर्मा ने तारीफ की है। रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा है, उन्हें पता था कि भारत की गेंदबाजी लाइनअप इस स्कोर को डिफेंड कर लेगी। रोहित ने मैच के बाद कहा है, पिछले 2 सालों में हम कई बार यहाँ पर आए हैं और T20 मैच खेले हैं। हमने अच्छी तरीके से योजना बनाई थी, हमने जो परिस्थितियाँ पेश की गई उसके हिसाब से खुद को ढाल लिया है। हम जानते थे कि हमारी गेंदबाजी लाइनअप इस मैच को बचा लेगी। हर कोई आकर अपना काम कर रहा है, वो चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं। वहीं बुमराह ने इस मैच में 4 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। रोहित शर्मा ने उनकी तारीफ करते हुए कहा है, हम जानते हैं कि बुमराह हमारे लिए क्या कर सकते हैं। हमारे लिए उनका समझदारी से इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वो जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे जिस भी विकेट पर वो खेल रहे हों। मुझे परिस्थितियों का आकलन करना था। सामने की टीम को देखते हुए कोई भी बदलाव करने के लिए हम तैयार हैं। हमें लगा कि 3 स्पिनर खिलाने होंगे, वह हमने वही किया। अगर अगले मैचों में ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर से एक बार 3 तेज गेंदबाज खिलाने को तैयार हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव की तारीफ भी उन्होंने की है। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में अर्धशतक लगाते हुए शानदार पारी खेली। भारतीय टीम ने जहां पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 181 रन बनाए थे, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 28 गेंदों पर 53 रन बनाए, जबकि हार्दिक पंड्या ने 24 गेंदों पर 32 रन बनाए थे और अफगानिस्तान की पारी 134 पर ही सिमट गई। सुपर 8 के जो अगले 2 मुकाबले हैं टीम इंडिया को बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से खेलने हैं। बांग्लादेश से 22 जून को जबकि 24 जून को ऑस्ट्रेलिया से मच अवेटेड मुकाबला होना है। भारतीय टीम ने 1 मुकाबला जीत लिया है, 1 मुकाबला और जीतते ही भारतीय टीम सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ा देगी। अब देखना होगा भारतीय टीम क्या 3ों ही मुकाबले सुपर 8 के जीतती है या फिर 1 भी मुकाबले में भारत को हार मिलती है। सबकी नज़रें ऑस्ट्रेलिया वाले मुकाबले पर, उससे पहले जितनी भी गलतियां, जितनी भी चूक हो रही हैं, जो भी कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा तलाश रहे हैं, उम्मीद की जाएगी ऑस्ट्रेलिया वाले मुकाबले के पहले जज कर लें और परफेक्ट प्लेइंग 11 ही खिलाएं।